सो हे गाइस एंड गेस्ट ऑफ द ब्लॉग, वेलकम टू न्यू गेम प्ले ऑफ माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। आज एक बार फिर से हम लोग माइनक्राफ्ट। तो गाइस ये देख रहे हो, ये भाई इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी, ठीक है। हाँ वैसे तो देखो लावा का ही काम था, ठीक है, मैक्सिमम काम तो पूरा टावर बनाने का, लेकिन बस वही कुछ भाई रेस्टोरेंट वेस्टोन, फिर ये बीच में विलेजर्स के सारे घर बनाने, ठीक है, वो हमारा काम था, तो यस वो हमने कर दिया। लेकिन भाई अभी दिक्कत ये है कि भाई ये हमने बना तो दिया, ठीक है, लेकिन अब इसका करेंगे क्या, बिकॉज हमारे पास ना वो है, ठीक है, पिलेजर्स तो है लेकिन सिर्फ एक ही है। यहाँ पे हमारे पिलेजर्स है, ठीक है, आपको बैनर वाला दिख रहा होगा, तो उससे हमें बेडोन मिलेगा और बेडोन से हम यहाँ पे एक बार रेड करवा सकते, ठीक है। और यस भाई उस एक रेड में ना हमें इन्फिनिट एमरल्ड मिल सकते हैं, इन्फिनिट टोटम्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यार फिर वही है ना कि भाई एक ही रेड है, फिर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना सबसे पहले एक दूसरा एरिया बने, ठीक है, जहाँ पे हम अपना बनेंगे पिलेजर आउटपोस्ट, ठीक है। पिलेजर तो ऑब्वियसली स्पॉन नहीं होने वाले है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है, ठीक है, मैं कुछ अपने इस वर्ल्ड में चेंजेस करूंगा, ठीक है, जिससे कि भाई वहाँ पे पिलेजर स्पॉन होने लगेंगे। और यार अगर आपको भी वो चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो भाई मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। भाई मुझे पूरे दो दिन लग गए इसको सीखने में, भाई ना तो आपको यूट्यूब पे इसका ट्यूटोरियल मिलेगा, ना तो गूगल पे इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तुम्हारा भाई ने खुद किया ये कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के, ठीक है। अभी बस मैंने ट्राई किया और चलता भी है। भाई वो जो जादूगर पिलेजर्स होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं भाई, वो ना अपने वैक्स स्पॉन कर देते हैं और जिस वजह से भाई मार पड़ सकती है, ठीक है। तो भाई उसके लिए भाई हमें चाहिए होगा बीकन, ठीक है। अबे यार यहाँ पे ये देख रहे हो तो ये पूरी ऑब्सिडियन रूम, ठीक है, जो कि नील ने बनाई थी विदर को मारने के लिए, ठीक है, ऑब्वियसली। तो यस गाइस भाई हमें विदर एक मारना पड़ेगा, ठीक है। ओके देयर यू गो, ये रही हमारे पास सोल्स हैं, ठीक है, मुझे चार ही चाहिए। और पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पोशन ऑफ हीलिंग और पोशन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। पोशन ऑफ हीलिंग जैसे मैं विदर पे मारूंगा उसकी हेल्थ कम हो जाएगी। ओके भाई यहाँ पे बनाए हुए है स्ट्रेंथ 2 के पोशन है वो भी, और हीलिंग के पोशन भी है। अरे भाई यार नील ने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया हमारे लिए, इस बार फटने, हाँ फटेगा सबसे पहले तो, फटा 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 मारो 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 मारो। और पता नहीं यार मेरे पीसी की क्या दिक्कत है भाई, जैसे ये विदर शुरू हो गया ना भाई मेरा पीसी इतना लैग करने लगा कि भाई रिकॉर्डिंग ही खराब हो गया, ठीक है। लेकिन यस गेम में सब सही चल रहा था, तो विदर को तो हमने मार दिया। हाँ वो मर ही गया है, बस मर ही गया है वो, यहाँ पे क्यों आ गया लेकिन वो हाँ बस रुक जा वो मर ही गया रुक जा अबे एक जगह पे तो रुक जा यार, रुक जा, मैं बस आ ही गया हूँ रुक जा, मर गया। ओए नेदर स्टार लिया किसी ने, ठीक है फिर। ओके तो गाइस अभी हमें देखना है कि ये बीकन कैसे बनता है। ओके तीन ऑब्सिडियन ऑप्शन हमारे पास है, नेदर स्टार भी है, ठीक है। ओ यहाँ पे किसने चेस्ट डाल ली है, आई थिंक ये नील का होगा भाई। दो है तो भाई हम दो बीकन बना सकते हैं भाई, और ऑब्सिडियन भी हमारे पास बहुत सारे भाई, कृष्णा में बहुत सारे दिए ऑब्सिडियन। ओके सो गाइस ये देखो ये हमारे पेट है, ठीक है, ये हमारा सामान जो बचा था। अच्छा यहाँ पे थोड़े बहुत ग्लासेस है, ठीक है, ये भी ले लेते हैं क्या होता कुछ काम में आ जाए, और तो कुछ काम में अभी आने है तो है नहीं, ठीक है भाई। ये हमारा पूरा इतना बड़ा भाई, देख रहे हो कहाँ तक है हमारी फार्म, वो देखो वो चोटी है, ठीक है, टावर की। तो गाइस सबसे पहले तो हमें अपना आर्मर रिपेयर करना है, ठीक है, तो यस इनको मार के अपना आर्मर रिपेयर कर देते हैं भाई। सबसे पहले हमें बीकन बनाने हैं वहाँ पे, ठीक है, अपने उस क्या कहते हैं उसको एक्सपी नहीं रेड फार्म पे, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ से रेड फार्म पे चलते हैं, अब थोड़ी देर ना वहीं पे रहना, ठीक है, मैं पोर्टल को तोड़ रहा हूँ। अभी इस पोर्टल से एंटर होते होप सो ये वो उस पुराने वाले से कनेक्ट हो जाए। ओके कनेक्ट हो गया, अगर अब यहाँ से हम अंदर जाए तो ओके हो गया कनेक्ट। ओके तो गाइस अगर हम बीकन को पानी में बनाए दें वो चलेगा या फिर नहीं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। वाओ बीकन चल रहा है, तो यस हम पानी में बीकन लगा सकते हैं। अब इसको तोड़ देते हैं वापस एक बार, अबे वो आयरन ब्लॉक भी चलता है, मतलब सिर्फ आयरन भी चलता है। तो ये हमारा आयरन जा चुका है यहाँ पे, रिजनरेशन के साथ साथ हम स्ट्रेंथ भी ले लेते हैं। ओ भाई देयर वी गो, ये हमारी स्ट्रेंथ आ चुकी है, और रीजन कहाँ गया बे, वाओ देयर वी गो, कैसे हमें स्ट्रेंथ रीजन दोनों मिल गया, मतलब अभी हम रेड करवा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ये
ड्यूअल बीकन हो चुके हैं। इसमें ये डाल देते हैं एक आयरन, देन हम इसमें ले लेंगे रेजिस्टेंस। ओके देयर वी गो, अभी एक बार देखते हैं ठीक है। ओके रिजनरेशन सिर्फ एक ही, एक बार वापस से देख लेते हैं रिजनरेशन के लिए। अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है, लेकिन यस अभी हमारे पास स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस और रीजन तीनों हो चुके हैं ठीक है। ऑलराइट सो गाइस देखो भाई, हम लोगों ने इस वीडियो में बनाए अपने बीकन्स और साथ ही साथ भाई मैंने आपको ये रेड फार्म भी दिखा दिया ठीक है। वर्क कैसे करेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ठीक है, जब हम उनको मारेंगे ठीक है वही उन पिलेजर्स को। तो यस अगर आपको हमारी छोटे से वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक कर देते, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।